आर्मी ने इस साल अपने किसी भी कर्मचारी को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दिया है। चीफ आर्मी जो है बिपिन रावत ने यह कहा है कि हम इनकरेज कर रहे हैं आर्मी को लाइफ टाइम डिजीज से बचने के लिए और फिट रहने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीके सहगल साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया आर्मी ने, किस नजरिए से देखते हैं इसे? ये सरकार के डिसीजन जो है बिल्कुल गलत है, जिसका जबरदस्त इम्पैक्ट होगा जवानों के मोरल और मोटिवेशन का। पिछले 70 साल से ये पेंशन मिलती रही है, अगर आज सडनली आप कहते हो कि लाइफ स्टाइल डिजीज है और आर्मी फिट नहीं है, पहली बात है कोई बीमार नहीं होना चाहता। फिर वो कहते हैं बहुत लोगों को जो है हाइपरटेंशन हो जाता है। आप भूल रहे हैं कि सिपाही जो है और अफसर जैसे वो ऐसे इलाकों में पोस्ट होता है दो दो तीन तीन चार साल, जहाँ 24/7 365 दिन देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपनी जान जो है थैली पर रखता है। तो ऐसे में इस माफी को हाइपरटेंशन जो हो जाती है, आप ये कहना कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, गलत है। और इसकी डिसीजन बजाय आर्मी चीफ ने या आर्मी हेडक्वार्टर ले कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, यानी प्रोफेशनल्स हैं डॉक्टर्स जो ये डिसीजन लेते हैं। तो वास्तव में 70 साल से जो किया, और चीफ का कहना है, उन्होंने सजेस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि कुछ ऑफिसर्स ने या जेसीओज ने एनसीओज ने इसका दुरुपयोग किया है, अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो उसको पनिश कीजिए। उस एक की वजह से या उस 10 की वजह से या 20 की वजह से 13 लाख के फौज में आप सबको पनिश नहीं कर सकते। ये भी देखा जाता है सर कि जो फौजी हैं, जो सिपाही हैं और जो ऑफिसर्स हैं, उनके पेंशन के बीच में उनके पेंशन का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, इसे कम करने की जरूरत नहीं है? देखो, ये सारी चीजें जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नहीं डिसाइड करना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। और ये केवल आर्मी को के लिए लागू नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, देश में 13 लाख की आर्मी है, उससे तकरीबन 25 से 26 लाख की आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, आपकी एयरफोर्स है, नेवी है, सबके, ये सारी चीज़ें सबके लिए लागू होनी चाहिए। तो सर, ये जो पेंशन है डिसेबिलिटी पेंशन, इसमें दो बातें कही गई है, गैप जो ऑफिसर्स और जो सिपाही हैं उनके बीच, उस पर भी वॉच किया जा रहा है। दूसरा, ये इंश्योर किया जा रहा है कि मिसयूज ना हो। तो क्या हम ये माने कि जो ये इंश्योर किया जा रहा है मिसयूज ना हो, इसका मतलब ये दोनों के जो गैप ज़्यादा हैं उसमें कुछ कम करने का इशारा है? ऐसे आप कहोगे कि अफसर और जैसे हो कि जो जवान की तनख्वाह में भी फर्क जो है उसको भी कम किया जाए, तो आपकी पेंशन जो है उसके ऊपर निर्भर करती है कि आपकी लास्ट डाउन पे क्या थी, सैलरी क्या थी। तो ऐसे ऐसे में तो बड़ी आप सारे के सारे जो असूल है वो सब गलत है। बिल्कुल मिला जुला के पेंशन ना देना और ना देने का जो फैसला है ये बिल्कुल गलत है। मोटिवेशन गिरेगा, जवानों का हौसला गिरेगा, इस तरह के कदम सरकार को नहीं उठाने चाहिए। कैमरामैन सुमंत कुमार के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।